हे गाइस, तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं दैट इज़ ऑन हैमर ब्लो। अब ये जो हैमर ब्लो होता है वो लगता है वर्टिकल फोर्स की वजह से। वर्टिकल फोर्स यानी कि वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स जो होता है उसकी वजह से। तो हमने जब पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस की थियरी देखी थी, उसमें दो फोर्सेस लगते थे। एक तो था हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स और दूसरा था वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स। और वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी वजह से यहाँ पर जो इफेक्ट देखने को मिलती है वो होता है हैमर ब्लो। तो इस इफेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अब यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनली समझ लेते हैं। सपोज ये है हमारा लोकोमोटिव का व्हील। अब ये व्हील में हमें बैलेंसिंग मास प्रोवाइड करना रहता है। तो सपोज यहाँ पर मान लो कि बैलेंसिंग मास अभी यहाँ पर है और उसका नेम है एम बी, राइट, और वो है रेडियस आर बी पे। अब जब ये मास यहाँ पर होगा और ये रोटेटिंग कंडीशन में होगा, तब क्या होगा, ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। अब सेम वे जब ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा तब क्या होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट विल ऑल्सो बी एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंसिंग मास होता है वो जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, वैसे वैसे यहाँ पर रेलवे का जो ट्रैक होता है उस पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तब क्या होगा, मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, राइट। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो नीचे जो रेल के ऊपर जो प्रेशर लगना चाहिए वो कितना होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट देखने को मिलती है, यानी कि पहले ज़्यादा प्रेशर लगा, फिर जब ऊपर गया तब प्रेशर कम हो गया, फिर ज़्यादा हुआ कम हुआ, इस तरह से जो इफ़ेक्ट देखने को मिलती है प्रेशर वेरिएशन की, उस इफ़ेक्ट की वजह से रेलवे के ट्रैक के ऊपर क्या होता है, हैमरिंग एक्शन देखने को मिलती है। और ये जो हैमरिंग एक्शन हमें देखने को मिलती है ये फिनोमिना की वजह से, उसे हम बोलते हैं हैमर ब्लो। तो चलिए, अब इसकी डेफिनेशन हम फ्रेम कर लेंगे। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो ये है डेफिनेशन ऑफ हैमर ब्लो। तो हमने लिखा यहाँ पर कि द अनबैलेंस फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर में चेंजेस आते हैं, यानी कि वेरिएशन आता है किस पर, तो रेल के ऊपर। और इसकी वजह से क्या होता है, हैमरिंग एक्शन देखने को मिलती है। सो विच कॉजेज अ हैमरिंग एक्शन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हैमर ब्लो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैमर ब्लो। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, दिस इज़ दी व्हील ऑफ लोकोमोटिव, राइट, और यहाँ पर दिस इज़ दी ओमेगा। सो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील रोटेट होता है, राइट। अब यहाँ पर डब्ल्यू जो है दैट इज़ दी वेट ऑफ दी व्हील एज वेल एज वेट ऑफ दी लोकोमोटिव। सो यहाँ पर जो ये व्हील है उसका वेट प्लस पूरा जो इंजन यहाँ पर होता है ऊपर उसका वेट, सो वो जो यहाँ पर एक्ट करेगा दैट विल बी डब्ल्यू। फिर यहाँ पर ये बैलेंसिंग मास है एम बी और ये जो रेडियस है वो है आर बी। अब ये जो कर्व आप देख रहे हो वो क्या है, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री पर रहेगा, यानी कि सपोज मान लो कि अभी यहाँ पर ये जो है बैलेंसिंग मास वो इतने एंगल पर है 0 पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल फोर्स तो 0 हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या होगा, हैमर ब्लो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा। कहाँ पर लगेगा, ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर ऊपर आएगा ये कर्व, सो दैट मैग्नीट्यूड विल बी एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। सेम वे जब ये यहाँ पर आएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स तो 0 है, राइट। सो 180 पर इट विल बी 0। अगेन जब नीचे आएगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम लगेगा और कितना होगा, सेम थिंग एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। एंड फिर 360 पे आ जाएगा तो क्या होगा, अगेन इट विल बी 0। सो यहाँ से ये साइन कर्व हमें मिलता है। सो दिस इज़ दी कर्व फॉर अ हैमर ब्लो। अब यहाँ पर जो ये वेट लगता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि व्हील का वेट तो सेम ही रहने वाला है और पूरा जो इंजन होता है व्हील के ऊपर वो इंजन का वेट भी तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो वो तो चेंज नहीं होगा थीटा के साथ साथ। तो उसकी एक यहाँ पर सेपरेट लाइन दी गई है, दैट इज़ दी स्ट्रेट लाइन। सो एंगल कोई भी हो, 0 हो या 90 हो या कोई भी 360 हो, लेकिन वो लाइन हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, W इज इक्वल्स टू एम इन टू जी। चलो तो हमने पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस की जो थियरी देखी थी उसमें हमने देखा था कि वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो वहीं से हम थोड़ा बहुत यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे एफ वी इज इक्वल्स टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब 90 होता है थीटा तब हमें मैक्सिमम मिलता है, प्लस जब 270 होता है तब भी हमें मैक्सिमम मिलता है, राइट। सो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 270 डिग्री वी गेट एफ वी मैक्स, और वो कितना होगा, क्योंकि 90 पे क्या हो जाएगा, साइन 90 विल बी 1 एंड सेम वे साइन 270 विल ऑल्सो बिकम 1। सो हमें एफ वी मैक्स कितना मिल जाएगा, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा विल बी 1। सो ये हो गया मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमें एक कंडीशन डिराइव करनी है कि भाई ये जो लोकोमोटिव की एंगुलर वेलोसिटी रखनी है ओमेगा, वो कितनी रख सकते हैं हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ठीक है, जब नीचे होगा ये बैलेंसिंग मास तब क्या होगा, वेट नीचे लगेगा। सो मैक्सिमम यहाँ पर फोर्स कितना लग सकता है, एक तो वेट लग सकता है W, प्लस यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर जो लगता है वो हो सकता है। सो मैक्सिमम प्रेशर कितना लग सकता है, एक्चुअली हमें फोर्स वर्ड यूज़ करना चाहिए लेकिन हम बुक के हिसाब से चले तो इट विल बी प्रेशर, और डेफिनेशन भी यही कहता है कि इट इज़ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। सो यहाँ पर हम प्रेशर लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली हमें फोर्स लिखना चाहिए। सो यहाँ पर जो W लगेगा डाउनवर्ड डिरेक्शन में, प्लस यहाँ पर जो एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो, सो वो रहता है W प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये होगा मैक्सिमम। सेम वे मिनिमम प्रेशर कितना होगा, तो मिनिमम विल बी, एक तो नीचे W लगता है सेल्फ वेट ऑफ द इंजन, प्लस नीचे हो गया ये W, प्लस जब ये बैलेंसिंग मास ऊपर होगा तब ऊपर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, W माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर बी जो है वो सफिक्स में लिखना है आपको। चलो तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम हो गया। सो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना रहेगा, हम लिख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू W प्लस और माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, इतना प्रेशर वेरिएशन हो सकता है ऑन दी रेल्स। अब हमें ये समझना है कि हम जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी रख सकते हैं, तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनली डायग्राम के साथ समझेंगे। अब यहाँ पर जब बैलेंसिंग मास नीचे की तरफ होगा तब तो भाई ठीक है कि भाई आप कितना भी वेलोसिटी रख लो तो जो भी है प्रेशर वो नीचे की साइड ही लगने वाला है, लेकिन जब ये बैलेंसिंग मास ऊपर की साइड जाएगा और तब अगर हमारे पास मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि इंजन बहुत ही स्पीड में रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी कि आउटवर्ड फोर्स वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो पूरा इंजन है वो लिफ्ट हो जाएगा। सो वैसा ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस अपवर्ड फोर्स, तो ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है। सो क्या बोला मैंने, W शुड बी इक्वल्स टू एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो वेट शुड बी इक्वल्स टू अपवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ से हम ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, तो ओमेगा कितना होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू W बाई एम बी आर बी। सो फाइनली हम यहाँ पर देखें तो ओमेगा का वैल्यू आएगा अंडर रूट W बाई एम बी आर बी। सो ये रहना चाहिए हमारा एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ लोकोमोटिव, अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पूरा व्हील लिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थियरी, और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.